तरह का लीक हो रहे हैं। उसमें ये भी है कि कहीं ना कहीं पहले वही समाजवादी लोग जुड़े रहे था, उनका डाल नहीं डल पा रही, वो लोग सरकार को बदनाम करने के लिए वही काम कर रहे हैं। बुंदेलखंड पेयजल योजना और नमामि गंगे के तहत निश्चित तौर पर हर घर तक नल पहुंचाने का काम किया है। बड़ा छोटा क्षेत्र का उनका मुद्दा ये रहता है कि राम मंदिर बन गए, ये पाकिस्तान में गोली चल गई, पाकिस्तान में भुखमरी आ गई, पाकिस्तान राम मंदिर ये बुनियादी जरूरत नहीं है। बुनियादी जरूरत क्या है कि आदमी को खाना मिले, रोटी मिले, कपड़ा मिले। भाई हमीरपुर लोकसभा 2024 का चुनाव का आगाज हो चुका है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं। आज हम खड़े हैं हमीरपुर मौधा में कि यहाँ पे स्थानीय लोग खड़े हैं, वहाँ से इनकी राय जानते हैं कि इनकी क्या राय है और किस स्थानीय मुद्दे पे ये लोग वोट करेंगे। मेरे हिसाब से तो सरकार बढ़िया चल रही है और जो आगे मतलब 400 पार का नारा है तो अच्छा है, हम 400 पार आएंगे भी। और भाजपा अच्छे काम कर रही है, मेरी समझ में तो यही है। और जो लोग कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है तो मेरी समझ में तो ऐसा नहीं है। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, इलाहाबाद में रहता हूँ, इन सब चीज़ों को देख रहा हूँ। पेपर अगर लीक हो रहे हैं तो इसमें ये भी है कि कहीं ना कहीं पहले वही समाजवादी लोग जुड़े रहे तार, अब उनका डाल नहीं डल पा रही, तो लोग अब सरकार को बदनाम करने के लिए वही काम कर रहे हैं। तो अब वो हमारी सरकार निष्पक्ष पेपर दिलवाएगी, हर गरीब का हक दिलवाएगी, ये चीज़ है। निश्चित तौर पर जो सांसद का पहली बात तो जो काम होता है संसद पर, जो भी जनता की समस्या है, जो मूल मुद्दे हैं, उन समस्याओं को उठाना है और उन्होंने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। इसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर और पूरे देश में तीसरे स्थान पर हमारे सांसद जी मुद्दे उठाने को मामले पर है। अब रही बात कि उन्होंने विकास क्या किया है, केन बेतवा गठजोड़ लिंक उनकी ही देन है कि केन और बेतवा जोड़ने वाली, और इसके साथ साथ बुंदेलखंड में पानी की बहुत समस्या थी तो बुंदेलखंड पेयजल योजना और नमामि गंगे के तहत निश्चित तौर पर हर घर तक नल पहुंचाने का काम किया है। बुंदेलखंड बड़ा छूटा क्षेत्र था। हमीरपुर ज़िले में अपने मौधा क्षेत्र की बात करें तो बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां पर दो दो किलोमीटर से पानी लाने का काम करना पड़ता था। मोदी जी की सरकार में और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में बुंदेलखंड पेयजल योजना के तहत हर घर तक पानी पहुँचने की व्यवस्था की है, जिससे महिलाओं को राहत मिली है। इसके साथ साथ सांसद जी के द्वारा अगर बात करें तो स्टेशन में जो रेलवे लाइन का दोहरीकरण है, स्टेशन में भी अभी नया भवन बन रहा है, प्लेटफॉर्म बन रहा है। निश्चित तौर पर हर इसी तरह पे हर स्टेशन का कायाकल्प हुआ है और जब डबल लाइन हो जाएगी निश्चित तौर पर, जब ट्रेन बढ़ने की बात है निश्चित तौर पर यहाँ ट्रेन बढ़ेंगी। और अमूल चमूल बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को लेकर के बात उठाना हो या फिर इस समय जो खूनी हाईवे जो कांग्रेस की सरकार ने बना करके इस जनता को मरने के लिए छोड़ दिया था कि जनता इसमें एक्सीडेंट होती है और मरती है, उसके निजात पाने के लिए 2025 तक का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उसके पहले ही इस सरकार में हमारे पुष्पेंद्र चंदेल जी के प्रयास से ग्रीन हाईवे बनने जा रहा है। और निश्चित तौर पर जब ग्रीन हाईवे बनेगा तो दुर्घटनाएं भी कम होंगी और कानपुर जाने वालों को आसानी भी होगी और कम समय पर वो कानपुर की यात्रा कर पाएंगे। ठीक है, आप बताएं, आप युवा हैं, आपका क्या मुद्दा रहेगा? मेरा मुद्दा ये चुनाव में कि हर गरीब को प्रधानमंत्री जी ने घर दिया, गैस सिलेंडर दिए, पानी दिए, बड़े बड़े ब्रिज बनवाए। मुझे तो लग रहा है ये सरकार बहुत अच्छी चल रही है और यही चलनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक नारा है अयोध्या तो अभी झांकी है और काशी मथुरा भी बाकी है, हमें वो भी पूरा करना है। आइए, हमारे साथ और भी स्थानीय लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विवेक चंद, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष हूँ मैं। और मैं बताना चाहूँगा, जैसा भाई ने हमारे बताया कि सांसद जी के जो कार्य बताए हैं, तो सांसद जी के कार्य तो खैर ठीक है, वो अलग बात है किए हैं नहीं किए हैं। अगर उन्होंने कार्य किए होते तो मीडिया में आके वो ये ना कहते कि मेरी उम्र 50 साल की हो गई, अब मुझसे काम की उम्मीद न रखना, जितना काम किया है बहुत है, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अगर एक सांसद 10 साल से नेतृत्व कर रहा है अपनी हमीरपुर की लोकसभा का और वो आके मीडिया में इस तरीके से बात कहेगा कि मुझसे अब उम्मीद नहीं रखना, जब उम्मीद ही नहीं रखनी है तो फिर चुनाव में कहे खड़े हो रहा, आराम से बैठ जाओ, पूजा पाठ करो, अयोध्या में राम मंदिर बना ही है, जाके पूजा पाठ राम के दर्शन करिए और जो श्रद्धालु हैं उनकी आरती लेके मंदिर में चढ़ावा चढ़ाइए, इसके बाद दीजिए। जब आपकी जनता की सेवा करने का पूर्ण रूप से विश्वास बना लिया है कि अब हमें पूजा ही नहीं करनी है क्योंकि अब हमारी उम्र 50 प्लस हो गई है, अब हम ना जैसे कहावत नहीं कि 50 जब उम्र हो जाती है तो आदमी का दिमाग और कान नाक जवाब दे जाते हैं, ना तो उसको सुनाई देता ना दिखाई देता, उसने स्वीकार कर लिया है कि अब हमारे पास में है नहीं, अब हमसे अपेक्षा नहीं रखिएगा। और रही बात कांग्रेस के जो कार्य की आप कर रहे हैं, वो सॉरी भाजपा के जो कार्य की कर रहे हैं, तो भाजपा के कार्य सिर्फ इतने हैं कि उनका काम है फूट डालो राज करो,
टोटल यही है, उनके मुद्दा ये रहता है कि राम मंदिर बन गए, ये पाकिस्तान में गोली चल गई, पाकिस्तान में भुखमरी आ गई, पाकिस्तान राम मंदिर ये बुनियादी ज़रूरत नहीं है। बुनियादी ज़रूरत क्या है कि आदमी को खाना मिले, रोटी मिले, कपड़ा मिले। भाई ने हमारे बताया नमामी गंगे का, तो नमामी गंगे का भी मैं जवाब दे रहा हूँ। आज भी नमामी गंगे के नाम से जो सड़क खोदी गई थी, तो आज तक के वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना खड़ा है। यहाँ तक कि जो रास्ता बनाया तो कच्ची पगडंडियाँ थी, वो किसी तक कारण स्वस्थ थी, रास्ते आदमी का आवागमन के लिए आसानी होती थी। लेकिन जब से नमामी गंगे की रास्ता पड़ी है, उधर से यहाँ तक कि इतनी जर्जर हालत हो गई कि आज भी अगर हम लोग गाँव में घूमते हैं तो लगता है कि आग धीरे धीरे चलाएं इस नौ टायर फट जाए। तो ये नमामी गंगे का है, मानते हैं प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन स्ट्रक्चर में है वो सिर्फ, धरातल पर शून्य है अभी। जी, मेरा नाम मुबीन खान है, मैं हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल से बुंदेलखंड प्रभारी हूँ। जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? देखिए, इस बार तो मुद्दे बहुत हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा बेहाल है, शिक्षा के नाम पर जो है अभिभावकों को लूटा जा रहा है। इस पर जो है ना ही यूपी सरकार और ना ही केंद्र सरकार की तरफ से कोई अभिभावकों को कोई राहत मिल रही है। स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं सारी बेढ़ाल हैं, और कोई भी मरीज यहाँ पर छोटा छोटा मरीज होता है, बड़े से बड़ा मरीज होता है, यहाँ पर कोई इलाज नहीं होता, सीधा रेफ़र कर दिया जाता है, या टोटल दवाइयाँ सारी बाहर से लिखी जा रही हैं। इसके लिए कई लोगों ने आवाज़ भी उठाई, लेकिन इस पर कोई अंकुश नहीं लगा अभी तक। तो ये गरीब लोगों से लूटा जा रहा है माल, क्योंकि सारी दवाइयाँ उपलब्ध होने के बावजूद भी अस्पतालों में सारी दवाइयाँ बाहर से लिखी जा रही हैं। तो इस पर भी जो है गरीबों की ही जेब पे मार पड़ रही है। ठीक है, और जैसा बेरोजगारी, तो बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और जब जब रोजगार के लिए युवाओं ने आवाज़ उठाई, उनको हॉस्टलों से तक निकाल के मारा गया और बुरी तरीके से मारा गया। ये बात को एक्सेप्ट किया कि यूपी गवर्नमेंट ने हाईवे दिया, लेकिन 10 साल से 2014 से सरकार आपकी है, आपकी सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की? आज भी ये खूनी हाईवे के नाम से, और पर डे हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन यहाँ पर जो है दुर्घटनाएं ना होती हों। और ये जो बुंदेलखंड की उपलब्धि की बात की, बुंदेलखंड के लिए आपने जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिया, इसके लिए जो है बुंदेलखंड वासियों ने मोदी जी को धन्यवाद भी कहा, लेकिन इसको चुनाव के चलते आधा अधूरा पर जो है इसको चालू कर दिया गया, और जिस दिन ये इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था उसी दिन वहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ पर जो मौतें होना लगातार जारी हैं। कांग्रेस अनुसूचित मोर्चा हमीरपुर, जो जो भाई साहब ये कह रहे हैं कि जो जिस लायक होगा उसको लायकियत के या योग्यता के आधार पर पद मिलेगा, उनका यही कह रहे हैं ना बेटा, है ना? तो मैं एक चीज, मैं इससे हट के, अरे सुनिए पहले, मैं इससे हट के बताना चाहता हूँ, आप जवाब नहीं दे पाएंगे मुझे। आप ये बताइए, ये बताइए हाँ, कि खेती के खेत में बखर चलाने में सबसे ज्यादा योग्य कौन होता है, फरुआ चलाने में योग्य कौन होता है? तो खेत में जो खेत को हल चलाने वाला हो, बखरने वाला हो, फसल काटने, उसकी सबसे ज्यादा योग्यता होनी चाहिए। लेकिन उसको भी योग्यता के भैया उसको जमीन क्यों नहीं मिलती? जमीन किसी लंबरदार के नाम है, हरवाही कर रहा है कोई गरीब आदमी जो उसमें निपुण है। तो अगर योग्यता, तो फिर हर जगह योग्यता क्यों नहीं नापी जाती? वहाँ क्यों इस योग्य आदमी को बेचारे खेती, वो भूमि न काम करने में सबसे योग्य है, लेकिन मालिक एक जमींदार बना जिसे बीज को पता नहीं कि कितना बोया जाता कितना नहीं बोया जाता। तो योग्यता ले रहे तो हर जगह योग्यता ले, वहाँ क्यों नहीं योग्यता लोगे? अरे ही बात इसमें, तो इसमें आप फेल हो जाएंगे। वहाँ बात योग्यता डिग्री के आधार पर नहीं, कुशल कौशल के आधार पर होती। पहली बात, पहली बात सुनिए, सुनिए 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 हाउ लिसन, आप ऊंचा बोलेंगे हम भी बोलेंगे, क्या मतलब हुआ? हाउ मेनी जॉब परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर इन इंडिया बताइए? हाउ मेनी जॉब परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर इन इंडिया? फैक्ट की बात होगी, फैक्ट की ही बात होगी, बिल्कुल बिल्कुल आप बात होगी। मैं योग्यता की बात कर रहे हैं, तो योग्य क्या रोजगार? आइए देखते हैं, हमारे साथ एक बहुत ही नीचे हमारे इंसान है जिनको बोलेंगे कि मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम मिलन यादव। अच्छा 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 जी, मैं आपका वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, वोट डालते हैं आप? हाँ, वोट तो मैंने काफी 4-5। कहाँ के रहने वाले? बांदा जिले के, यहाँ स्टेशन में मैं काम। आपके क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में? मेरा मुद्दा तो 3 चीजें जो सरकारें थी, अंग्रेज आए तो चाय बिस्कुट दिया, इंदिरा गांधी जी आए तो तेल चीनी दिया,
और जो ये मोदी जी आए तो अनाज पसेरी भर। क्या अच्छे दिन बुरे दिन? अच्छे दिन के आपके हिसाब से क्या अच्छे दिन चल रहे हैं या बुरे दिन? मुझे तो बिल्कुल बुरे दिन, क्योंकि ये एक पसेरी अनाज क्या थी। अच्छे दिन होते तो ऐसी होली होती। इन्होंने आम जनता है ये आप देख लीजिए। निश्चित तौर पर पहली बात तो इन्होंने कहा कि मैं बांदा से आया हूँ और मजदूर हूँ, यहाँ पर मजदूरी का काम कर रहा हूँ। सबका एक अपना काम होता है, मैंने कहा ना, लेकिन उनकी भी मेहनत का हम जो है धन्यवाद करते हैं कि आप मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूर है और मजदूर भैया ऐसे होते हैं, हमारे जैसे मजदूर नहीं होते। ठीक, पहली बात तो इसको एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा ये है स्वास्थ्य के बात पर, एक मिनट पूरी बात हो जाए। अब स्वास्थ्य पर बात आ जाए तो मैं पूछना चाहता हूं कि 2014 के पहले मात्र 7 एम्स थे, कितने? सिर्फ 7 एम्स, वो भी 6 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बने थे, सिर्फ 1 एम्स कांग्रेस की सरकार में बनाए। आंकड़ा उठा के देख लीजिए, हवाबाजी नहीं करता मैं। उसके बाद अब वर्तमान में 19 एम्स हैं, तो किसकी देन है? देखिए कि जिन चीजों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उनका इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, और प्राइवेटाइजेशन से आप समझ लीजिए कि रोजगार घटा करता है, कभी रोजगार बढ़ता नहीं है। रोजगार बढ़ता है पब्लिक, जब चीजों को पब्लिक करेंगे, यानी कि सरकार। हमारे साथ और भी स्थानीय लोग हैं इधर का, बस एक ही मुद्दा है कि पानी पीने के लिए सही मिल ही नहीं रहा है महोदय की जनता को। सड़ी गली हुई पाइपलाइनें हैं, 500 सालों से लाइन बदली नहीं गई है। जो भाई हमारे देख रहे हैं उनमें बहुत सारे लोग, कुछ लोगों ने आर ओ लगवा लिए हैं, तो वो लोग तो बढ़िया साफ सुथरा पानी पीते हैं, जनता मर रही है टाइफाइड, कहीं 50 बीमारी हो रही है। अस्पताल में जाके देख लीजिए, वहाँ पे हर चीज़ का पैसा लग रहा है, दवाएं अंदर की मिलती नहीं है। अगर थोड़ी सी गंभीर बीमारी है तो सीधा रेफर कर दिया जाता है, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, डिग्री कॉलेज सड़क अला हुआ है, वहाँ पर आर्ट के अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं है, लोग मजबूर हैं प्राइवेट में पढ़ने के लिए। जो प्राइवेट प्राइमरी स्कूल थे नगर में, वो उनकी उनकी सभी की बिल्डिंगें गिर गई हैं, एक रूम में चार चार स्कूल चल रहे हैं। ये तो साधारण मुद्दे सबको दिख ही रहे हैं। इसके अलावा किसानों का मुद्दा था, किसान तबाह हो गया, किसान खेती छोड़ने लगा, सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई कि फसलों के दाम ही ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, छात्रों की लाइफें खराब हो गई, 2-3 बैच ऐसे निकल गए जिनकी जो ओवर एज हो गए, नौकरी नहीं खुली है। तो ये यही अकेले मुद्दे हैं। दूसरा, चूंकि हम लोग रेलवे स्टेशन के पास खड़े हैं तो कई बार हम यहाँ से ट्रेनें देखते हैं, किसी ट्रेन में 2-2 इंजन लगे रहते हैं, तो इस दफ़ा 4 चरण हो चुके हैं, जनता ने एक इंजन खोल दिया है, बिल्कुल टोटल एक इंजन अलग हो चुका है, और जो नौजवान हैं दूसरे इंजन के पीछे पड़े हैं, तो उम्मीद है कि 4 जून को वो इंजन भी अलग हो जाएगा। जी आप बताएं आपके क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर? हमारा मुद्दा तो मेन है कि नवयुवक को रोजगार मिले, दूसरी बात शिक्षा अच्छी होना चाहिए। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि धारा 370 हटाया, पूरे देश में धारा 370 के नाम पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन खुद कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ पर ये चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में बता रहे हैं कि हमने धारा 370 हटा दिया, हमने ये कर दिया। हमको उससे क्या मतलब? धारा 370 हटा, अच्छी बात है, हमारे देश में वो पहले से भी था, बाद में भी, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें रोजगार चाहिए ना। हमारे घरों के हालात खराब हैं, आप गांव में जाके देखिए, आदमी पलायन कर रहा है, रोजगार नहीं है, भूखों मर रहा है, लेकिन परेशान है। वो आपसे नहीं बोलेगा कैमरे में, लेकिन हकीकत इस बार परिवर्तन पे जा रहा है वो। और मुद्दा मेन यही है, शिक्षा और रोजगार, महंगाई, ये ही मुद्दे हैं। बाकी चाहे जितना ये स्टेज में खड़े होकर के गुमराह करें, जनता नहीं बहक रही, जनता सीधा जा रही है वहीं। मैं जब से यहाँ पे आया मैं सुन रहा हूँ कि मतलब शिक्षा के लिए क्या है, जो भी है सब सुन रहा हूँ, मुझे मतलब किसी से नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब से छोटा था सरकारी स्कूल में गया, ठीक है, 1 से लेके 8 तक मुझे स्कॉलर मिला, निःशुल्क शिक्षा मिली, ठीक है। अब इसके बाद मैंने इंटरमीडिएट किया, सरकारी कॉलेज था, मुझे स्कॉलर भी मिला, शिक्षा भी फ्री मिली। अब इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था तो क्या हुआ कि जितनी मेरी फीस लग रही थी उतना मेरा स्कॉलर आ जा रहा था, ठीक है, मेरा क्या पैसा लगा शिक्षा के लिए। और एक बात और, अब लास्ट टाइम मेरा जो जेई मेन पेपर होता है उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, ठीक है, मेरी लाइफ ठीक है, और बाकी जो पढ़ रहे होंगे, जो कर रहे होंगे मेरे भाई लोग जो हैं, उनकी भी लाइफ ठीक ही होगी। क्या कर रहे हैं? मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो यही मतलब है कि अब जैसे देखो क्या है कि रोजगार नहीं है, ठीक है, अब समझिएगा आप, रोजगार नहीं है,
रोजगार कैसे मिलेगा भाई? घर में कोई देने आएगा क्या? नहीं देने आएगा ना। अगर मेरे पास काबिलियत है मुझे मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं। अब जिनके लिए मैं कहता हूँ, अब मेरे गांव में जैसे मैं अपने गांव में बहुत लोग हैं, सभी लोग शिक्षित नहीं है। अब ये गांव देखोगे तो ये सब लोग शिक्षित नहीं है यहाँ पे। अब जो हाईली एजुकेटेड रोजगार उसे तो मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। अगर मेरे पास क्षमता है, अभी मैं क्या था SSC का एग्ज़ाम वो देने जा रहा हूँ, अभी दूंगा, अभी दिया नहीं है, तो अगर मेरी मेहनत है मैं वहाँ पे सिलेक्शन लूँगा, फिर चाहे 5,000 सीटें हों या 10,000 सीटें हों, मेरा सिलेक्शन होगा। अब इसमें रोजगार की तो कोई बात नहीं भाई, मेरा नहीं हुआ भाई, रोजगार नहीं है। अब मैं जैसे ठीक है वहाँ पे भी नहीं हुआ, मैं एजुकेटेड हूँ, RRB की वैकेंसी निकली है, मैं आज नहीं तो वहाँ पे ले लूँगा। कि हमारे भाई ने कहा कि मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ, तो और एक बात इन्होंने कहा कि काबिलियत होती है तो आदमी भर्ती पा जाता है, तो क्या तुम्हें जितने जितने लग रहे हैं ये खड़े हैं इधर बता रहा हूँ, बाकी बाहर का नहीं, इधर में जितने भी आप टेक मार लीजिए कोई भी इंटर फेल नहीं होगा, सब अच्छे डिवीजन 50-60% से कम नहीं होगा। और इसके बाद गांवों का सर्वे कर लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के जो फार्म भरे गए थे 60 लाख फार्म भरे गए थे, अब भर्ती कितनी थी 60 लाख फार्म भरा गया था। और आप जानते हैं कि फार्म भरने से पहले एक निर्देश आ जाता है, इंटर पास कम बच्चा फार्म नहीं भर सकता, तो 60 लाख बच्चों ने फार्म भरा था, तो का सब अंगूठा छापते क्या? इसके बाद पेपर लीक हो गया, पेपर लीक होने में मैं उधर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर कार्यालय सामने लाठियां खाई, 4 लाठी खाई थी, किस लिए? सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोगों का पेपर जो लीक हुआ वो दोबारा हो सके। नहीं, हमें लाठी खाने कोई शौक नहीं था, ठीक है, जो आप लोग कह रहे हैं 60 सालों में जो बनाया था उसको इस सरकार ने बेचने का काम किया है। आज जो भी चीज़ देखिए उसको लीज पे उन्होंने सरकार ने बेच दिया है। तो हमें सबसे पहले तो ये जो 20-25 ये उद्योगपति हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े रिच मैन हैं, जो पैसा इन्होंने इस सरकार ने उनका माफ़ किया है, वो सरकार का पैसा जो गवर्नमेंट को इन्हें बड़े उद्योगपतियों को माफ़ किया गया, उसी पैसे को उठा करके हम करोड़ों गरीब महिलाओं को, गरीब परिवारों को बांटने का काम करेंगे और हिंदुस्तान को मजबूत करेंगे। और 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, 4 तारीख के बाद आप देखिएगा ताजपोशी हमारे पंडित राहुल गांधी जी की होने जा रही है। और भी हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, आप बताएं आपको मुद्दे तो ये हैं। हाँ, मुद्दे हैं, अभी कुछ दिन पहले DRM साहब यहाँ आए थे, हमने उनसे बताया कि आपका रेशन काउंटर जो है जनता भीड़ लगा रहती है, रेशन नहीं होता, यहाँ टिकट ब्लैक हो रहा है मौदा में, आप पता कर लीजिए। फिर ये आप तत्काल लेंगे तो बिकाऊ है, जनरल लेंगे तो बिकाऊ है, और वो कहते हैं 2 बजे के बाद आना जब इंटरसिटी ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ तक सुबह शाम तक आदमी खड़ा रहेगा? ये काउंटर हमारे कांग्रेस पार्टी ने खुलवाया था और इसकी जो है देखभाल ही भाजपा वाले कर नहीं पा रहे, ना उनसे पूछते हैं सेशन मास्टर से कि टिकट क्यों ब्लैक हो रहा है, जनता क्यों भीड़ लगा है, जनता क्यों प्राइवेट में जा रही है। एक सवाल तो ये आया आपका, दूसरा सवाल पानी के बारे में बताया कि पानी गांव-गांव बह रहा है, जब पानी जमना बेतवा से चेकडम बन के जब निकलेगा जब तो गांव-गांव बहेगा भैया, अभी तो सड़कें खुदी पड़ी हैं चारों तरफ, पूरी सड़कें खुदी पड़ी हमारे मौदा ब्लाक में 57 गाँव में, आप चले जाइए आपकी 4 पहिए नहीं जा पाएगी नौवीं गंगा से। ये बता रहे थे 50 साल में जो है सुनाई पड़ना बंद हो जाता है, ये हो जाता है, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी 50 साल से ऊपर है, उनको भी सुनने की आवश्यकता है। अब दूसरी बात, अभी कह रहे हैं कि आलू से जो सोना बनाने की उम्मीद रखे बैठे हैं, कृपया करके आलू की सब्जी बना लें, वो सोना नहीं बनने वाला। दूसरा ये कि उन्होंने जो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, ऐसा वैसा बड़ा अच्छी डिबेट करते हैं, बड़ा अच्छी बातें बताते हैं। अब धरातल पर जब आते हैं तो धरातल पर निश्चित तौर पर कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो निश्चित तौर पर उसकी टेस्टिंग होती है, उसके बाद उस पर काम होता है, पहले पाइपलाइन पड़ती है, उसके बाद पाइपलाइन को डालने के लिए रोड खोदना पड़ेगा, निश्चित तौर पर रोड खोदना पड़ेगा। अब ऐसा तो भाई हमारे पास कांग्रेस वाला मंत्र नहीं है कि वो हवा मार दो और वो काम हो जाए, दिखाई पड़ जाए। बहुत सारे अभी बताता हूँ कि एक मोदहा में मलिक को चौराहे पर आप RTI डाल के देख लीजिएगा, एक वो पथवे पास है, मतलब ठीक है एक वो पथवे पास है, मतलब पूरा पास हुआ है लेकिन वो हवा में है, आज तक मुझे वो दिखाई नहीं पड़ा मलिक का चौराहे में वो कहाँ है। दूसरा ये कि लगातार जब मुद्दों को भटकाने की बात आती है तो कांग्रेस के लोग बड़ा एक्सपर्ट है इस पे हमले पर, आप कहते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम करने से इस देश में जो है नफरत फैलती है, लेकिन ठाकुर का पंडित कर लो, बनिया कर लो, पिछड़ा कर लो, दलित कर लो, अल्प अति पिछड़ा कर लो, इससे भाईचारा बढ़ता है।
देश में जाति जनगणना की बात तो करते हैं कि देश में जाति जनगणना करा दी है, जब मुसलमानों की जातियों की बात आती है, मुस्लिम कास्टों की बात आती है, उस पर चुप्पी साध लेते हैं। जाति की जनगणना होनी चाहिए तो सब पर होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे जो पिछड़े अल्पसंख्यक भाई हैं उनको न्याय मिले, हम चाहते हैं कि उनको अच्छी इस्लाम की शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा मिले। हम लोग उस ओर कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि वो 500 रुपए लेकर के पत्थर ही फेंकते रहे, हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, जो इस्लामिक बच्चे भी हैं, वो पढ़े लिखे आगे चल के आधुनिक शिक्षा हासिल करें, वो अच्छे DM बने, अनुप्रजाम में हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि नहीं, अगर वो पढ़ लिख लेंगे उनके लिए पत्थर कौन चलाएगा। तो हम चाहते हैं कि पत्थरबाजी निश्चित तौर पर, रही बात धारा 370 के चक्कर में, निश्चित तौर पर जिस तरह कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हुई है, और इस भारत की सरकार में, मोदी जी की सरकार में, मुसलमानों के शिक्षा का स्तर बढ़ा है, ये है सबका साथ और सबका विकास की सोच, और हम चाहते हैं कि इसी तरह की शिक्षा बढ़नी चाहिए। दूसरा, अब आते हैं हम विकास की बात पे, तो निश्चित तौर पर जब उन्होंने बहुत सारी समस्या बताई कि स्टेशन में टिकट ब्लैक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, निश्चित तौर पर कहीं कोई टिकट ब्लैक नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कोई टिकट ब्लैक नहीं हो रहा। लोग किस तरह के आरोप लगा सकते हैं, वो उनकी आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन उसको सिद्धता उसकी एक अलग बात है। हाँ, ये बात सही है कि लोग जब भीड़ ज़्यादा होती है, अभी रिजर्वेशन काउंटर कम है, प्लेटफॉर्म बनने के बाद में रिजर्वेशन काउंटर बढ़ेगा, उसके बाद उसको विकास की ओर धरातल पर लिया जाएगा और स्टेशन निश्चित तौर पर रिजर्वेशन काउंटर भी बनाया जाएगा। कहा कि रिजर्वेशन काउंटर में टिकट ब्लैक हो रहा है, इसका हमारे पास प्रूफ है, ये मोबाइल में दिखा रहा है आपको, झूठ नहीं है, ये देखिए, ये कोई दलाल नहीं है, ये ऑटो, एक मिनट, ये पाकिस्तान वाली, जहाँ तक बात रही, इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए थे प्रधानमंत्री की हैसियत से। ये चुनाव पाकिस्तान का नहीं होगा, ये चुनाव होगा भारत टू भारत होगा। हम रोजी रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा पर वोट करना चाहेंगे। अभी हमारे भाई ने बताया, शिक्षा के बारे में बताया, अब हम अपने छोटे भाई से पूछना चाहेंगे कि ये बता दें, मौदहा नगर पालिका है, मौदहा नगर पालिका में कितने सरकारी स्कूल इन्होंने खोले, और जो सरकारी स्कूल पहले से चल रहे हैं उसकी इन्होंने कितने भवनों का निर्माण करवाया। 24-25 गांव के लोग यहां सामान खरीदने आते हैं इस मौदहा में, उनके लिए शौचालय कितने बनवाए, देवी चौराहे से लेके बड़े चौराहे तक, ये बता दें। अभी साहब ने सबवे की बात कही कि सबवे का 2014 से लेके सरकार आपकी, अभी तक है 10 साल से, 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, आरोप लगा रहे हैं उसके पहले का। आप समझिए, इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, इनको स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, इनको रोजी से कोई मतलब नहीं है, इनको रोजगार से कोई मतलब नहीं है। ये जनता को अपने ऊपर निर्भर बनाना चाहते हैं, खुद को आत्मनिर्भर और समाज में जनता को निर्भर। कैसे? अगर रोजगार दे दिया जाए, कॉलोनी को 2.5 लाख रुपए मिल रहा है, अगर रोजगार दे दिया जाए और उसको अगर 30,000 रुपये महीना का अगर वेतन हो, तो 3,60,000 रुपये उसका वेतन आ गया, वो तो हर साल एक मकान बनवा सकता है, नहीं बनवा सकता। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि रोजगार नहीं देंगे, बात समझिए, रोजगार नहीं देंगे ताकि वो हर साल एक मकान बनवाए, बल्कि एक बार 2.5 लाख रुपए दे दिए मकान के लिए, रोजगार नहीं दिया। अब इसके बाद देखिए, आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, इसका मतलब गरीबी है। अगर उनको रोजगार दिया होता, किसान जो आत्महत्या कर रहा है, किसान जो रोडों में आंदोलन कर रहा है, अगर इनकी समुचित व्यवस्था की होती तो किसान खेतों में काम कर रहा होता, उससे बेहतरीन चीज़ें उपजा रहा होता और उससे उनके फायदा होता, उनको MSP की गारंटी दी गई होती, तो वो 5 किलो राशन क्यों लेता।